वन स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द लिटिल नोटी बॉय कॉल्ड माइकल सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर माइकल गोस क्लाइनिंग अबाउट थ्री हंड्रेड इयर्स अगो टू डच डर टॉकिंग टू ईच अदर ऑन अ स्ट्रीट करीब तीन सौ साल पहले की बात है ठीक है तो दो डच औरतें क्या कर रही थी आपस में बातें कर रही थी गली में ठीक है सडनली वन ऑफ एंड पॉइंटिंग अ लिटिल बॉय आह देयर दैट ब्रैट माइकल यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर ये दो तो डच औरतें हैं जो आपस में बातें कर रही है अब डच क्या होता है डच है नीदरलैंड नीदरलैंड एक प्लेस है ठीक है तो वहां पे ये डच लैंग्वेज बोली जाती है तो अब ये जो लेडीज हैं दोनों ये बातें कर रही हैं किसके बारे में हेयर इस बॉय के बारे में ये कौन है माइकल ठीक है ये दोनों बातें कर रही है तो इन दोनों में से एक जो है माइकल की ओर इशारा करते हुए बोलती है वो देखो माइकल बिगड़ा हुआ बच्चा माइकल एवरी टाइम आई सी हिम आई फील लाइक हिटिंग हिम जब भी मैं उसे माइकल को देखती हूँ ना मेरा दिल करता है इसे मैं पीटू इसकी पिटाई कर दू वाई आस्ता अदर वुमेन अब दूसरी वो?

बिगड़ा हुआ घमंडी शरारती बच्चा अपनी लाइफ में नहीं देखा ही इज ये है ये ऐसा बच्चा है कि दूसरों के अटेंशन दूसरों की अटेंशन खींचने के लिए कोई ना कोई शरारत हमेशा करता रहता है मतलब इसको शरारत किए बिना चैन नहीं है ठीक है ताकि दूसरे लोग इसकी तरफ ध्यान दें तो इसके लिए शरारत करके बहुत खुश होता है

वो एक इंसान को साहसी बना देती है करेजियस बनाती है साहसी बनाती है ही सीम्स टू बी अ बोल्ड बॉय ये तो मुझे बोल्ड बहादुर सा बच्चा लग रहा है बोल्ड लग रहा है द बॉय हैड रीच नियर द चर्च इन द मार्केट प्लेस जब तक ये लेडीज बातें कर रही थी इसी दौरान जो वो बॉय है माइकल है कहा पहुंच गया मार्केट में चर्च के पास वर्क हैड बीन स्लेटिंग द चर्च पायर एंड हैड लेफ्ट लैडर नियर द ट्रैप डोर अब जो वर्कर्स हैं ठीक है वर्कमैन जो काम करने वाले मजदूर थे ठीक है तो वो क्या कर रहे थे ये चर्च है अब चर्च के यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये देखिए ये मरम्मत कर का, का काम चल रहा था यहाँ पे स्लेटिंग ठीक है ये देख सकते हैं टाइल्स लग रही है तो मरम्मत का काम चल रहा था तो जो वर्कमैन है ठीक है वो अपनी सीढ़ी जो है ट्रैप डोर के पास छोड़कर गए हुए थे माइकल लुक एट द स्पायर एंड एन आइडिया केम टू हिज माइंड माइकल ने स्पायर मतलब ये टॉवर इसकी मीनार को देखा ये मीनार को देखा चर्च की और उसके दिमाग में एक आइडिया आया लेट मी क्लाइम अप द स्पायर I would be the first person in the town to stand on the golden ball beneath the weather vane. वो कह रहा है क्यों ना मैं इस स्पायर यहाँ पे चढ़ जाऊँ ठीक है कहाँ पे ये गोल्डन बॉल और

ना ही क्विकली बिगेन टू क्लाइम अप दैडर एंड सून रीच द टॉप ऑफ द स्पायर फटाफट वो सी डी पे चढ़ता हुआ और फटाफट यहाँ पे चढ़ गया पिक्चर यहाँ पे माइकल चढ़ा हुआ ठीक है ही विश्ड ऑल टू सी हिम स्टैंडिंग राइट एट द टॉप लाइक अ हीरो अब वो फटाफट जब इस टॉप स्पायर की टॉप पर यहाँ पे चढ़ गया गोल्डन बोल पे तो अब उसका दिल हो रहा था कि नीचे जो लोग हैं वहां पे उसे देखें यहाँ पे चढ़े हुए ठीक है एक हीरो की तरह उसे कि वो अपने आप को यहाँ पे चढ़ के हीरो मान रहा था कि वो सारे लोग उसे देखें एक हीरो की तरह वन मैन सो माइकल होल्डिंग द वेदर वेन एंड सून द प्लेस नियर द चर्च वॉज पीपल अब जैसे ही एक आदमी ने देखा छोर मच गया ठीक है ठीक है कि माइकल को यहाँ पे वेदर वेन पे चढ़े हुए देखा एक आदमी ने तो मार्केट में पूरा शोर मच गया और जो चर्च है वो लोगों से भर गया माइकल को देखने के लिए विद देर माउथ वाइड ओपन एंड आईज़ आई सब लोगों के मुंह जो है हैरानी से खुले के खुले रह गए हैरानी से डर से खुले रह गए माइकल को यहाँ पे चढ़े हुए देखकर और उनकी आंखें माइकल के ऊपर फिक्स हो गई मतलब वो लगातार माइकल को ही देखते रह गए हैरान और परेशान हो माइकल वॉज वेरी ग्लैड एंड प्राउड ऑफ हिस्स एडवेंचर और माइकल है उसको अपने इस एडवेंचर पे बड़ा ही गर्व हो रहा था कि मैं पहला इंसान हूं जो यहाँ पे इस गोल्डन बॉल पे चढ़ गया है तो वो बहुत ही प्राउड फील कर रहा था आफ्टर समाइक डिसाइडेड टू कम डाउन एंड लीड ओवर द बॉल अब थोड़ी देर बाद माइकल ने डिसाइड किया कि अब नीचे आना चाहिए तो वो बॉल के ऊपर झुक गया टू हीज सरप्राइज दब झुका वो उतरने के लिए लेकिन वो हैरान हो गया क्या देख के कि यहां से सीढ़ी तो गायब थी वहां पर सीढ़ी अब थी नहीं द वर्कमैन हैड टेकन इट अवे अब जो काम करने वाले आदमी थे वो तो उठा के सीढ़ी ले गए थे अब उन्हें क्या पता ये ऊपर चढ़ा हुआ है ठीक है तो वो सीढ़ी उठा के ले गए थे अ असडन फीलिंग ऑफ फ्राइड डेस्पियर एंड सिकनेस केम ओवर माइकल अब माइकल ने जब देखा सीढ़ी नहीं है तो अचानक उसके अंदर डर की निराशा की और कमजोरी की फीलिंग्स उसने फील करी बट ही कंट्रोल्ड हिम सेल्फ लेकिन उसने अपने आप पे तुरंत ही काबू पा लिया अपनी हाँ हालांकि जो लोग वहां पे थे वो उसकी हेल्प करने मदद करने तो आते लेकिन मदद की वेट करने से क्या होता जो उसका ये एडवेंचर था उसका इस एडवेंचर का एंड जो होता है बेकार होता मजा ना आता उसे कि ये एडवेंचर तो पूरा गया उसका तो पूरा एंड होता द स्पायर ऑफ द बेस ऑफ द बॉल वाज ओनली हाफ स्लेटेड माइकल ब्रोक स्लेट एंड हिज टो सॉरी माइकल ब्रोक अ स्लेट विद हिज टो एंड गॉट अ फुट होल्ड अब क्या हुआ माइकल ने लोगों की वेट नहीं करी क्योंकि ऐसा करने से उसका जो ये एडवेंचर था उसका अंत मजेदार ना होता ठीक है तो अब उसने क्या किया ये एज यू कैन सी इन द पिक्चर ये देखिए यहाँ पे स्लेटिंग हो रही थी इस सफाई इस मीनार की तो माइकल ने अपने पैर की उंगली से एक स्लेट को तोड़ा ताकि उसके पैर को थोड़ा सा सहारा मिल जाए टिकाने के लिए ठीक है बट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू स्लाइड डाउन विद हिज आर्म्स अराउंड द बॉल एज द मिडल ऑफ द बॉल वॉज टू बिग फॉर हिज आर्म ठीक है लेकिन अब उसके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि बॉल को चारों तरफ तो से पकड़ के आराम से स्लाइड करके वो उतर सके क्योंकि बॉल का जो बीच वाला हिस्सा है सी, वो काफी बड़ा था तो अच्छे से वो उसको चारों तरफ से हक करके नहीं पकड़ सकता था ठीक है ना तो आई हैव टू लीव द बॉल क्विकली एंड ग्रेप द स्पायर बिलो ही थॉट टू हिमसेल उसने सोचा कि मुझे जो है फटाफट यहां से बॉल को फटाफट छोड़ के यहां बॉल के छोड़कर ये यहां पे स्पायर को नीचे से पकड़ना होगा इट वॉज डेंजरस अब फटाफट छोड़ के और बिल्कुल इमिडिएटली इसको यहां से पकड़ना होगा माइकल को और ये बहुत डेंजरस था वन फॉल स्टेप एंड ही वुड बी डेड ऑन हार्ड ग्राउंड बिलो एक हल्की सी भी चूक अगर गलती हो गई तो वो जो नीचे ग्राउंड है उस पे वो गिर जाएगा और मर सकता है बट देयर वॉज नो अदर वे लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था स्लोली माइकल स्लिट डाउन लेफ्ट द बॉल एंड देविकली कॉट द बेस ऑफ द बॉल अब क्या किया माइकल ने धीरे धीरे स्लेट किया नीचे आया और फटाफट यहां पर बॉल को छोड़ के फटाफट उसने बॉल के बेस नीचे से यहां पर पकड़ लिया ही स्टार्टेड क्लाइम्बिंग डाउन रेपिडली एंड फाइनली रीच डाउन सेफली अब उसने धीरे धीरे यहां से नीचे उतरना शुरू किया ठीक है स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन

इसकी हरकतों से वो इतने डर गए थे कि उनका चेहरा वाइट हो गया था चेहरे पे नमी आ गई थी और उसको वो पोंछ रहे थे माइकल केप्ड ऑन विद हिज मिस्टेफ माइकल जो अपनी शरारतें जारी रखी हिज फादर हु हैड लॉस्ट ऑल होप फ्रॉम हिम सेंट हिम टू सी उनके पिता जिनकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी किस वजह से कि उसकी शरारतें रुक नहीं रही थी माइकल की तो उन्होंने उसे सी पे भेज दिया

एक दिन पूरा वर्ल्ड उनके नाम से एडमिरल माइकल जून दी रूटियर के नाम से कूंजेगा सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ माइकल जून डी रूटियर जो कि बचपन में बहुत ही नोटी थे ठीक है तो उनकी ये स्टोरी थी आई होप यू एन्जॉय द स्टोरी थैंक यू